एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मुहर्रम की 6 तारीख है, और जिस तरह से हजरत अदार का ख्वाब होता है, उसका ख्वाब होता है वो करबला, इराक, नजफ, बगदाद, शाम, सीरिया, इन सब जगह पर जाकर ज़ियारत करे, उसी तरह मेरा भी ख्वाब है। लेकिन अभी वो टाइम नहीं आया मैं वहाँ पर जा सकूँ, तो इसीलिए जहाँ पर जो मेरे से हो सकता है मैं वहाँ जाता हूँ। तो जो मेरा दादा दादी का घर है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक सैद नगरी बहुत अच्छा कस्बा है, वहाँ पर है, तो मैं हर मुहर्रम पर वहाँ जाता हूँ। उसी तरह आज मुहर्रम की 6 तारीख है, तो आज मैं और मेरा भाई भाई गाजी गाजी जैसा भाई, मौला अब्बास जैसा भाई, मैं और मेरा भाई साथ जा रहे हैं। आज हम ये हमारी जर्नी है, हम आपको पूरी जर्नी डिटेल में दिखाएंगे। आपको उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। और वो हमारा पर्सनल घर है, जहाँ क्योंकि आप सभी जानते हैं पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में बच्चों का हक, बेटों का हक नहीं होता, तो दादा दादी की प्रॉपर्टी में पेरेंट्स, बच्चों, पोता पोती का हक होता है। इसी तरह से वो हमारा अपना पर्सनल घर है, ये घर तो हमारे पेरेंट्स का है लेकिन वो हमारा पर्सनल घर है। हम आपको वो घर दिखाएंगे वहां जाके, और वहां पे हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। जिस तरह से हम भारत को माता कहते हैं, तो शायद उसी तरह से कुछ लगाव ऐसा होता है कि हमें अपनी उस जगह से इतना प्यार है कि हम उस जगह को छोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी और चलते हैं। ये मैं अपना आपको अपना घर दिखा देता हूँ सबसे पहले, और सबसे मिलाता हूँ। तो मैं अपने आपको अपने भाई गाजी जैसे भाई, अब्बास जैसे भाई, अपने भाई से मिलाता हूँ। इसका नाम है गुलफाम, और ये मेरे साथ जा रहा है नगली, जहाँ हमारे दादा दादी का घर है। वहां पर मुहर्रम पे बहुत ज्यादा अच्छे से सेल मनाया जाते हैं। तो चलिए, और मैं अब मिलाता हूँ आपको अपनी सिस्टर से। मीट माई सिस्टर महक जहरा। हेलो एवरीवन। एंड मीट माई यंगर सिस्टर खुशबू जहरा। हेलो एवरीवन। एंड नाउ फाइनली मीट माई फादर, इज माई फादर। एंड मैं आज जो कुछ भी हूँ मैं सिर्फ इन्हीं की वजह से हूँ, क्योंकि यही सबसे बड़ी मेरी मोटिवेशन है। क्योंकि आज तक इन्होंने कभी किसी काम में मेरे को नहीं रोका और ना ही आगे रोकते, इसलिए मैं जो कुछ भी आपके सामने हूँ सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की वजह से हूँ। तो मीट माई फादर, ये नहीं जा सकते किसी वजह से मुहर्रम पे, तो लेकिन अगली बार ये जरूर जाएंगे। और मीट माई मदर। हेलो गाइस, फाइनली मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पर जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के, यहाँ से जहाँ से मेरे को बस मिलेगी। लेकिन उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बस ये जाने वाली है लेकिन इस बस का किराया बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस बस का किराया डबल कर दिया गया है, लेकिन जो नॉर्मल दिनों में होता है उससे ज्यादा डबल, एकदम ही डबल कर दिया गया है ये बस है हमारी। इसमें मैंने दो सीट रिजर्व किए, एक मेरी एक मेरे भाई की। तो चलिए चलते हैं हम अपनी सीट के ऊपर। बस का नंबर आप देख सकते हैं। चलिए मैं अब चलता हूँ अपनी सीट के ऊपर, जहाँ पर मैंने सीट बुक करी है बस के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे जाफराबाद मेट्रो स्टेशन है, और यहाँ पर ये बस है। नाउ यू कैन सी बिहाइंड मी देयर आर मैनी थिंग्स। तो चलिए चलते हैं, जिन सीट बुक किया बस के अंदर चलते हैं। तो मैं आ गया हूँ बस के अंदर इस टाइम, अभी बस खाली है, ज़्यादा लोग नहीं इसके अंदर। तो ये मिल सकते हैं, ये ड्राइवर साहब है। आप ही आता जाना आपको? मेरे को सैद नगली जाना है। हाँ बिल्कुल, साफ ले जाना जी। तो मिल सकते हैं, आपका नाम बताइए। मेरा नाम अहमद अली। कहाँ पर रहते हैं आप? चंदौसी। अच्छा, ये चंदौसी के रहने वाले हैं, जो संभल बदायूं उधर की साइड ही पड़ता है, लेकिन मेरे को सैद नगली जाना है। मेरे को बोलने में आपको एकदम सेफ पहुँचा दूंगा सैद नगली तक। तो फाइनली बस अभी खाली है, अभी बस में ज्यादा सवारियां नहीं है और आने वाली हैं। जब बस चलेगी, बस कब चलेगी? बस 5:15 चलेगी, 5:15। अच्छा 5:15 बस चलेगी, लेकिन अभी मैं बहुत पहले आ गया हूँ बस में, तो इसी वजह से मेरे को वेट करना होगा। मैं और मेरा भाई और बहुत सारे लोग यहाँ पर वेट करेंगे बस के चलने का। तो चलिए हम बैठ के वेट करते हैं। तो ये हमारी फाइनली ये सीट है, जहाँ पर मेरा भाई ऑलरेडी बैठा हुआ है, और मैं यहाँ पर बैठूंगा और मेरा भाई यही बैठा है। हमने एक विंडो सीट, एक सेपरेट सीट बुक की है, जहाँ पर मैं और मेरा भाई विंडो सीट पर बैठ के जाएंगे आराम से। तो फाइनली गाइस मैं बैठ जाता हूँ, तो और आगे की जर्नी हम आगे कंप्लीट करेंगे। चले अभी के लिए इतना ही, और आगे बस चलना स्टार्ट हो गया। और 4 घंटे में हम अपने दादू दादी के घर, यानी कि हम अपने सैद नगरी कस्बे में पहुँच जाएंगे। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा मेरे दादा दादी का घर कैसा है। मेरे को बहुत ज़्यादा लगाव है, मुझे क्या मेरे पूरी फैमिली को, बहन भाइयों को बहुत ज़्यादा प्यार है उस घर से। हालांकि हमारे दादा दादी नहीं रहे, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा लगाव है हमें उस घर से। हम इन फ्यूचर चाहे कोई भी सिचुएशन आती है, हम उस घर को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, ना कभी उसे बेचेंगे। वो हमारी एक पर्सनल एसेट्स है जिसको हम अपने दिलो जान से ज़्यादा रखेंगे। और अब से 4 घंटे बाद हम पहुँच जाएंगे। जो मेरा घर से मेरे दादा दादी के घर का डिस्टेंस है वो 140 किलोमीटर दूर है। जी हाँ, 140 किलोमीटर दूर है, और ये ज़्यादा कहीं नहीं, संभल, हसनपुर और मुरादाबाद आपने सुना होगा, तो ये उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है एक कस्बा सैद नगरी। वहीं जाने के लिए हम निकले, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं बस चल रही है, और आगे मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें।
दादी के घर यानी कि सैद नगली पहुंच चुका हूँ, और यहाँ पर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे वेलकम के लिए खड़े थे, तो मैं आप सबको दिखा सकता हूँ, सब मेरे फ्रेंड्स मेरे वेलकम के लिए खड़े थे। तो भाई आ जाओ सब, ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ थोड़ा अंधेरा हो रहा है, अंधेरे में बिल्कुल नहीं दिखने का, बस थोड़ा बहुत दिखेगा, तो बाकी मैं चलते चलते आप सबको दिखाऊंगा। और ये मेरे साथ चल रहे हैं मेरा वेलकम करने के लिए, रोड पर आए थे मेरे को बस से लेने के लिए, तो चलते हैं। ये सब आ रहे, और ये बहुत, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त असीम भाई, असीम भाई, सब मेरे दोस्त मेरे को लेने आए थे यहाँ पर वेलकम करने के लिए। तो आप देख सकते हैं पीछे मेरे, बहुत अच्छा लगा जब मैं यहाँ आया, तो मेरे सारे फ्रेंड्स यहाँ पर खड़े थे मेरे वेलकम के लिए, तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आने के बाद। तो और बाकी काम कल कंप्लीट करेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में खाली इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, फॉर माई मेरे पेरेंट्स ने डेडिकेटेड है, उन्हें लगना चाहिए कि मैं कुछ दिखा रहा हूँ उन्हें, तो बस यही इस वीडियो में, और आगे वाले ब्लॉग में आने वाले में और कुछ चीजें देखेंगे मुहर्रम से जुड़ी।